लड़कियों का कहना है कि वे लोग स्कूल में टीसी लाने के लिए दुबदा स्टेशन के पास ऑटो का इंतजार कर रही थी। बहुत विलंब हो गया, ऑटो नहीं आया तो वो लोग पैदल जाने लगे। इसी क्रम में उसका मामा भी आ गया और वो लोग शॉर्टकट रास्ता से खैरा चंडी मंदिर की ओर से जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद देखे कि पीछे से लड़का लोग आए और उन लोगों को जबरदस्ती करके धक्का उक्का दे के झाड़ियों के बीच ले गए। झाड़ियों के बीच ले जाने के बाद उन लोग से जोर जबरदस्ती करने लगे। जोर जबरदस्ती मतलब रेप अटेम्प्ट के लिए वो लोग प्रयास करने लगे कि हम लोगों को तुम लोग के साथ शारीरिक संबंध बनाने दो, अन्यथा हम लोग हल्ला कर देंगे कि तुम लोग यहाँ पर गलत संबंध बनाने के लिए आई थी, है ना। क्या सर बातें आई थी कि कपड़ा वगैरह भी पूरा फाड़ दिया था उन लोगों का? हाँ, ये बात भी है कि जोर जबरदस्ती के क्रम में एक लड़की है, पीड़िता है, उनका सलवार फट गया। हाँ लेकिन सर लेकिन उन लोग फिर बचे कैसे हैं? हाँ इन लोगों में से एक लड़की जो है वो भाग गई और फिर ये हल्ला हो गया। हमको भी सूचना मिली, सूचना के आलोक में पेट्रोलिंग पार्टी को भेज दिए। पेट्रोलिंग पार्टी को भेजने के क्रम में उधर से पब्लिक भी जमा हो गई, पेट्रोलिंग पार्टी भी गई और फिर उन 6 लड़कों में से 2 लड़के को पकड़ लिया गया। तो बाकी सर और गिरफ्तार हुए कि अभी बचे हुए हैं? बाकियों का रात में गहन छापामारी अभियान चला। बोकारो झरिया ओपी थाना प्रभारी साथ में थे, बाकी लोग भी गिरफ्तार कर लिए। तो अभी सर सब जेल जाएंगे? जी, सभी को जेल।